मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी राजेश डी मोडक ने संबंधित अधिकारियों के साथ शनिवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर वहां आ रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 1 के साथ साथ प्लेटफार्म नंबर 2 पर भी श्रमिकों को उतार कर उनकी जाँच के उपरांत उनके घर भेजने के लिए व्यवस्था की जा रही है। मंडलायुक्त ने कहा कि ट्रेनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी केविजन पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी रेलवे पुष्पांजलि, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, जीडीए वीसी अनुज सिंह, सीईओ गीडा संजीव रंजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन जो भी करना है उसकी हम लोगों ने एक फिर से रिव्यू किया है, जिससे कि कम से कम समय में हम लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचा सकें। आपके माध्यम से अनुरोध यही करना चाहेंगे कि कोई भी ट्रक पर ऊपर चढ़ के ना जाए, कोई भी पैदल ना जाए, पूरा प्रशासन जो है एक एक श्रमिक को, एक एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा संयम रखें, हम पूरी व्यवस्था करें।